होगा कि कहाँ पे होंगे एंड शायद ये नंबर्स एडवांटेज लेके वो जा रहे हैं। पिछली बार जोनाथन ने 1v3 करा था, इस बार भी करना पड़ेगा रिवेंज। यही फाइट नाइट है, रिवेंज करना है यहाँ पे। और रिवेंज क्या ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ले पाएगी, देखने वाली बात रहेगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के पास यहाँ पर हैंड है, बट वो पलक झपकते ही बदल सकता है। ग्रेनेड यहाँ पे डाल रहे हैं एंड जोनाथन के ऊपर ये ग्रेनेड कनेक्ट भी होता है सरप्राइजिंगली। अब देखिए क्लच गॉड को रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। हाथ पे पैन था जोकर के, मतलब इंटरेस्टिंग चॉइस। मतलब स्पीरो भाई फाइट नाइट है, आप इतना बोल्ड स्टेटमेंट देने की कोशिश करके पैन फेंक के यहाँ पे नॉकआउट करें, बट पॉसिबल अभी तक हो नहीं पाया। बट जोनाथन की तरफ से ग्रेनेड थ्रो इन किया गया, क्या जोकर को कनेक्ट करेगा? आई डोंट थिंक सो। वेल अभी के लिए जोनाथन नेट से थोड़ा सा यू नो वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहीं अगर बात की जाए आई थिंक ग्लोबल ईस्पोर्ट्स भी बहुत स्मार्ट है। वो नॉक प्लेस को फिनिश नहीं कर रहे, बट क्या ये फायदा होगा क्योंकि स्मोक करके पीछे आ गए प्लेस, बट जस्ट स्टॉप। उन्होंने फिनिश क्यों नहीं किया प्लेस को? मतलब ये क्वेश्चन तो मेरे मन में भी अभी आ रहा है कि फिनिश नहीं किया मतलब सिक्योर का पॉइंट भी नहीं मिलेगा और चारों के चारों प्लेयर्स मतलब एडवांटेज अभी गॉडलाइक के पास जाने वाले वापस से। अगर वो फॉल बैक भी कर जाए तो वो बाद में जाके ये फाइट को रिवाइव कर सकते हैं, बट क्या गॉडलाइक फॉल बैक करेगी? बट नहीं, यहाँ पे एडमिनो ने फ्लैंक कर दिया एंड वो फ्लैंक का फायदा यहाँ पे होता हुआ। अब जोनाथन को देखिए, उनको पता है जोकर किस तरह वाले नेट वापस फेंका है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, शब्द नहीं है। ये सिचुएशन क्या हुआ? पहले तो यहाँ पे एडवांटेज मिलता है ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को, उसके बाद वो एडवांटेज को कन्वर्ट नहीं किया गया उनके तरफ से। सबसे बड़ी चीज क्लच गॉड नॉक थे, सबसे पहले उनको फिनिश करा जा सकते हो जाएंगे टीम गॉड लाइक के सपोर्ट करते हुए लेवेनेंट प्लेयर थी, बट राइट हैंड साइड से ओपन छोड़ा अपने आप को लेवेनेंट के प्लेयर्स, नॉक भी करेंगे फिनिश भी करेंगे, सर्कल के बाहर होके भी एडवांटेज दे रहे, बट गॉड लाइक के प्लेयर्स को देखिए निकालेंगे, बट क्या गॉड लाइक फर्स्ट एड्स लेके हील बैटल यहाँ पे करने वाला? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दे आर गोइंग टू यूज दोस फर्स्ट एड्स एंड थ्रो इट एवरीवेयर, बिकॉज़ फोर तो हील बैटल नहीं करते हैं, क्या पता आज करते नजर आए, बट अभी के लिए दे आर लुकिंग गुड फॉर अ विनर विनर चिकन डिनर। फिर वो वेस्ट होती नजर आएंगी, फियर्स के पास थोड़ी कम थी, बट उसका सभी उपयोग वो कर जरूर रहे हैं। एग्जैक्टली बट यहां पे और के चले स्पॉट किया गया है जोनाथन, यहां पे बस अपनी स्प्रे का मुजाहरा दे रहे हैं, एक तरह को स्पॉट कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, स्पॉट कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। एंड जैसा हमने देखा था कि मोस्ट फिनिशर्स के लिए इसमें ऑलरेडी अपना नाम दर्ज कर चुके हैं हम, उनको ऑल कहते हैं कौन प्लेयर को स्पॉट आउट करके टेक डाउन करके फियर्स और जोनाथन, एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो ऑलरेडी उस लेवल पे बैठा हुआ है, दूसरा अपना नाम वहां पे दर्ज करने की कोशिश कर रहा है, दोनों प्रूव कर रहे हैं व्हाई दे आर द बेस्ट एट दिस मोमेंट। Well, it is hilarious, right? I mean, Fierce एक first aid लगाते हैं as well. Jonathan के पास nade आपको देखने को मिल जाएगा सामने, आपको कौन सी टीम है? Orangutan आपको देखने को मिल जाती है। Correct. अब Orangutan के players को भी इस situation में you know careful रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने दरवाजे भी grenade डाला था, molotov भी आया है Jonathan को block off करने के लिए, क्योंकि देखिए आप ऐसे player को अगर आप space देंगे तो वो तो आपको मार के 100% गिराने वाला है। ये first aid अभी भी pop in किया जा रहा है Fierce की तरफ से, तीन ही बचे हैं। अब मुझे लग रहा है कि Fierce के लिए बचाना is going to be next to impossible. अब यहां देखिए clutch got को फॉरवर्ड किया गया था, ये इन्फॉर्मेशन जरूर से वो अपने टीममेट्स को दे रहे होंगे। नेड यहां पे कुक इन किया जा रहा है, बट ओजी के प्लेयर्स एक ही को यहां पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो इस सिचुएशन के प्लेयर को चेस डाउन कर रहे हैं। जोनाथन आगे बढ़ चुके हैं, ब्रॉट डाउन होंगे, बट जोनाथन बहुत कम एचपी पे एक और के लिए यहां पे अपने लिए सिक्योर करेंगे एंड अगेन एंड अगेन वो बार-बार प्रूव कर रहे हैं क्यों वो यहां पे बेस्ट है। Well, बिल्कुल बेस्ट तो है और उसका सही अपने एग्जांपल भी सेट करा है, फिनिश संपूर्ण टीम बनती हुई टीम बहुत लाइक बात करती है। लुक एट हिम बैश, जो इस सिचुएशन में अकेले फंसे हुए हैं। अब देखिए 70 अपने आप को अभी भी टॉप 5 में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, एंड जोन यहां पे अगेन आपका सबसे बड़ा
दुश्मन क्या कर सकते हैं? वेल दुश्मन भी है, दोस्त भी है. दोस्त क्यों है? क्योंकि 14 फिनिशेस के साथ यहाँ पे गॉड लाइक फर्स्ट एड लगाते जितना दूर हो सके पहुंचा. मुझे पता था स्काइलाइट गेमिंग हैनोक के अंदर सेकंड पोजीशन पक्की है कि हम लिख के रख सकते हैं, बट वही जोनाथन नेड्स थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, नेट कभी कभी फट जाते हैं, बट ठीक है, इट इज ओके. जोक्स अपार्ट, चिकन डिनर गॉड लाइक की तरफ से आता है, एंड आई डोंट थिंक ही